हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 19, परिमाप का मापन, या हम कह सकते हैं पेरीमीटर इन इंग्लिश। सो लेट्स स्टार्ट। सभी समतल आकृति की सभी भुजाओं का योगफल उसका परिमाप कहलाता है। यानी कि अगर मान लो ये मेरे पास ये फिगर है, इस तरीके से अगर मैं इसकी सारी साइड्स को मेज़र करके और ऐड कर दूंगी तो वो क्या होगा, इसका पेरीमीटर होगा। इसे हम हिंदी में परिमिति भी कहते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल के लिए आपके सामने है, जैसे माना किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हैं, तब त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। हम क्या करेंगे, सारी साइड्स को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका परिमाप। अब परिमाप में आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जिस यूनिट में हम किसी भी चीज़ की लेंथ या ब्रेड्थ या हाइट हम ले रहे हैं, सिमिलर वैसे वो यूनिट क्या होनी चाहिए। पहले नंबर पे हम सेम, अगर सेम नहीं होंगी तो हम सेम कर लेंगे, अगर वो ऑलरेडी सेम है तो उसी यूनिट में हमारा क्या होता है, आंसर होता है। देखो यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है तीनों में, तो हमारे आंसर में भी क्या लिखा है, हमने सेंटीमीटर ही लिखा है। सो नाउ मूव टू द सम फॉर्मूलास। आपके पास कुछ सूत्र यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है 2 × l + b, l फॉर लेंथ, b फॉर ब्रेड्थ। वर्ग का परिमाप निकालने के लिए 4 × भुजा की लंबाई, या हम इसको ले देते हैं 4a, a का मतलब हो जाएगा वन साइड। क्लियर? समबाहु त्रिभुज का परिमाप अगर निकालेंगे तो 3 × में भुजा की लंबाई आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर मैं वृत्त की परिधि निकालना चाहूँ तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा 2πr, और पाई की वैल्यू हम 22/7 या फिर 3.14 भी लेते हैं। क्लियर? अब हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमारे ये जो पॉइंट्स हैं वो और भी क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर वन, यदि किसी आयताकार पारक की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं, तब उसका परिमाप क्या होगा। अब बात कर रहा है आयत की लंबाई की, तो हम पहले लिख लेते हैं जो आयताकार पारक है, आयताकार पारक की लंबाई। आपको लंबाई कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर, और आयताकार पारक की चौड़ाई कितनी दी हुई है आपको, 10 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट क्या करना है, इसका परिमाप। और हमने अभी सीखा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप कैसे निकालते हैं, सभी साइड्स की क्या करते हैं, हम एडिशन कर देंगे हम मेजर करके। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखा था, 2 × l + b। ये हमारी लंबाई L और चौड़ाई को हम क्या लिख देंगे, B। क्लियर? फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे, 2 L की वैल्यू कितनी है, 15, और ब्रेड कितनी है आपके पास, 10। सो 2 × 10 + 15 = 25। सो आंसर आ जाएगा 50, और यूनिट क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर में है तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर में हो जाएगी। आपको ये अच्छी तरह से ध्यान रखना है, जो यूनिट होती है ना एग्जाम में आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए कर लेगा, 50 सेंटीमीटर² लिख देगा, 50 मीटर लिख देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस यूनिट में हमारा क्वेश्चन चल रहा है ना, आंसर भी हमारा उसी यूनिट में आएगा जब हम परिमाप की बात करते हैं। क्लियर? तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है आपको, एक आयत और एक वर्ग का परिमाप बराबर है। देखो एक आयत दिया हुआ है और एक वर्ग, दोनों का परिमाप क्या है, बराबर है। वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम यहीं से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं कि वर्ग का परिमाप कितना दिया हुआ है, 96 सेंटीमीटर। क्लियर? और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तो यानी कि हमें वर्ग की भुजा पता होनी चाहिए पहले। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं, वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4a = कितना आ गया, 96। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 96/4, यानी कि 4 × 2 = 8 एंड 4 × 4 = 16। तो यानी कि उसकी एक साइड कितनी आ गई, 24 आ गई। और तो सेकेंड पॉइंट में बोला कि आयत की जो चौड़ाई है ना, वो वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तो क्या लिख देंगे, आयत की चौड़ाई कितनी कम है उससे, 4, यानी 24 में से क्या माइनस कर देंगे, 4, क्योंकि इसकी साइड कितनी है, 24 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगी 20, क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर, यानी कि हमें आयत की चौड़ाई मिल गई। आगे पूछा क्या गया आपसे, तब आयत के क्षेत्रफल का, यानी वर्ग सेंटीमीटर में आंसर आएगा, का क्षेत्रफल में का 2 गुना कितने के बराबर है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल निकालना है। और आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको लेंथ भी पता होनी चाहिए, तो लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखो आयत का पहले हम परिमाप देख लेते हैं, आयत का परिमाप हम कैसे निकालते थे, आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2l + b। ये क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमें दिया गया था कि जो आयत का परिमाप है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो जो आयत का परिमाप है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है, यानी वर्ग का परिमाप कितना दिया हुआ था हमें, 96 दिया हुआ था,
और हमने यहाँ से अभी एक साइड यानी कि इसकी चौड़ाई निकाली बी, बी कितना आया आपका यहाँ से 20 इज इक्वल टू आ गया 96। तो ये बन गया 12 प्लस 40 इज इक्वल टू 96। सो 12 इज इक्वल टू कितना आ गया 96 माइनस 40, क्लियर। तो 96 अब ये बन गया 2L इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो कितना बच गया 56। तो हमारी L की वैल्यू कितनी आ गई 28 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ गया L। आपसे पूछा क्या गया था, आयत का जो क्षेत्रफल निकालना है वो इस जो आपको आंसर्स दिए हैं ना उसमें से दो गुना यानी कि उसका दुगुना क्या होगा ये बताना है। तो हम आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं यहाँ से। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी। लेंथ कितनी आई है हमारी 28 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी थी 20, मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 16, 2 2 4 1 5 सेंटीमीटर स्क्वेयर तो हमारा आ गया। लेकिन हमें बताना है कि दुगनी, तो इसका दो गुना करेंगे तो 2 से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, 2 6 12, 2 5 10 प्लस 1 11, यानी कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए 1120 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को पहले समझना है, देन यू हैव टू सोल्व द क्वेश्चन, क्लियर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। दो वर्गों के परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हैं। देखो दो वर्ग दे दिया आपको, एक तो वर्ग 1 दे दिया और एक वर्ग 2 दे दिया। इनका परिमाप दे दिया, पहले का परिमाप कितना दे दिया 12 सेंटीमीटर और दूसरे का कितना दे दिया आपको 24 सेंटीमीटर। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितने गुना होगा, यानी कि इनका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इसकी साइड पता होनी चाहिए। तो हमें पता है अगर पहला वर्ग है तो हम इसको 4a1 मान लेते हैं। तो ये इसका कितना परिमाप दिया हुआ था 12 सेंटीमीटर, तो a1 यानी कि इसकी साइड कितनी आ जाएगी 12/4 यानी कि आ गई 3 इसमें आ जाएगी सेंटीमीटर। सिमिलर वैसे हम सेकंड का निकाल लेते हैं, ये आ जाए हम लेट कर लेते हैं a2, इसका परिमाप 24, तो a2 इज इक्वल टू में क्या आ गया 24/4 यानी a2 की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब देखो आपको a1 यानी कि इसकी एक साइड मिल गई और इसकी भी एक साइड मिल गई, आपको निकालना क्या है दोनों का क्षेत्रफल। तो फर्स्ट वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ठीक है, वर्ग का क्या होता है भुजा गुणा भुजा होता है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 3 यानी कितना आ गया 9 सेंटीमीटर स्क्वेयर। और सेकंड वर्ग का क्षेत्रफल यानी जो बड़े बड़े वाला है, बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये 6 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आ गया 36 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब आपसे ये पूछा गया है कि बड़े वर्ग का क्षेत्रफल यानी ये सेकंड वाला क्या हुआ बड़ा वर्ग हो गया, का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितने गुना है। अब ये कितने गुना है 9 का, अब मैं अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करूँ तो 9 4 यानी कि ये कितना गुना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, किससे छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से। तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज अवर करेक्ट आंसर। सो दिस वाज अवर टॉपिक परिमाप का मापन, एंड डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो फॉर मोर क्वेश्चन। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।